तो गाइस आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे AX3 डीजल मैनुअल वर्सेस AX5 डीजल मैनुअल। इन दोनों कार में आपको क्या क्या डिफरेंस मिलेगा ये देखिए। XUV700 AX5 एंड दिस इज XUV700 AX3। एंड पहले सबसे पहले बात करें प्राइसेस की, तो इन दोनों के प्राइसेस में आपको 1.5 लाख रुपए का फ़र्क मिलेगा। एक्स शोरूम में फ्रंट साइड आप देख सकते हैं, आपको इसमें ऑल LEDs मिलती हैं, LED DRL, LED हेडलाइट्स, LED फॉग लैंप्स। फ्रंट साइड आपको कोई कैमरा नहीं मिलेगा। एंड बात करें AX3 की, आपको इसमें हेलोजन हेडलाइट्स मिलेंगी, DRLs आपको इसमें LED मिलेंगी, आपको इसमें LED फॉग लैंप्स मिलेंगी, यहाँ पे एयरवेंट्स भी मिलेंगे जो कि एयरवेंट्स आपको उसमें मिलेंगे। एंड अब बात करते हैं इनके साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं सबसे बड़ा डिफरेंस इनके अलॉय व्हील्स में। AX3 डीजल में आपको मिलते हैं स्टील रिम्स 17 इंचेस के, टायर सेक्शन सेम रहेगा 235 का। एंड आपको AX5 में अलॉय व्हील्स मिलेंगे 17 इंचेस के, टायर सेक्शन सेम रहेगा 235 सेक्शन का। बॉडी क्लैडिंग में, व्हील आर्च क्लैडिंग में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ORVMs में भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। इंजन की बात करें तो सेम इंजन 182 हॉर्स पावर, इसमें आपको सेम इंजन 182 हॉर्स पावर का ही मिलेगा। एंड डोर हैंडल की बात करें तो सेम पॉप आउट डोर हैंडल्स, सेम पॉप आउट डोर हैंडल्स। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको दोनों में सेम मिलेगी। एंड आपको रेयर साइड LED लाइट्स मिलती हैं, आपको AX3 में भी रेयर साइड LED लाइट्स ही मिलेंगी। रेयर वाइपर विद डी फॉगर, शार्क फिन एंटीना, रेयर स्पॉयलर, रूफ रेल्स। एंड सबसे मेन फ़र्क एक्सटीरियर्स में, इसमें आपको बड़ा सा सनरूफ मिलता है एंड जो कि आपको AX3 में नहीं मिलेगा। एंड आप चलते हैं अंदर की तरफ, आपको क्या क्या फ़र्क मिलेगा। एंड आप देख सकते हैं अंदर आपको ड्यूल टोन डैशबोर्ड मिलता है, आपको एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिलेगा, स्टेयरिंग कंट्रोल्स मिलेंगे, 10 इंचेस इंफोटेनमेंट, 10 इंचेस डिजिटल क्लस्टर। एंड इसकी बात करें तो आपको ड्यूल टोन डैशबोर्ड मिलेगा, स्टेयरिंग व्हील एडजस्टेबल, स्टेयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल्स, 10 इंचेस इंफोटेनमेंट, 10 इंचेस आपको इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। सीट्स भी आपको इसमें अपोल्स्ट्री मिलती हैं, इसमें भी आपको अपोल्स्ट्री ही मिलेंगी। एंड जो मेन फ़र्क बताया मैंने, इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलता। AX3 वेरिएंट में आपको कोई ड्राइव मोड नहीं मिलेगा, बल्कि AX5 वेरिएंट में आपको 4 ड्राइव मोड्स मिलते हैं। एंड AX5 वेरिएंट में आपको मैप लैंप्स मिलती हैं। एंड AX3 वेरिएंट में आपको कोई मैप लैंप्स नहीं मिलेंगी। AX5 वेरिएंट में आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं, बल्कि AX3 वेरिएंट में आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं। रेयर साइड 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, इसमें भी आपको रेयर साइड में 2 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो AX3 में आपको ABS विद EBD मिलता है। एंड AX5 की बात करें तो आपको ABS विद EBD विद इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है। प्राइस डिफरेंस इज ओनली 1.5 लाख। AX5 5 सीटर वेरिएंट की मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ। हालांकि सीट फोल्ड डाउन करके भी सेम बूट स्पेस मिलती है, लेकिन विदाउट सीट्स देखिए आप एक छोटा घर मान सकते हैं इसे। 1.5 लाख रुपए के डिफरेंस में आपको ऑल LED लाइट्स, हेलोजन लाइट्स, अलॉय व्हील्स, इतना बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, ड्राइव मोड्स, 2 एक्स्ट्रा एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो 1.5 लाख के प्राइस पॉइंट में इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। आप आफ्टर मार्केट भी कुछ एक भी चीज़ लगवाने जाएंगे ना, अलॉय व्हील्स भी लगवाएंगे 50,000 के पड़ेंगे, सनरूफ लगवाएंगे इतना बड़ा 1 लाख का पड़ेगा। तो मैं कहूँगा 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देके यू शुड गो फॉर AX5। एंड आई होप गाइस आप लोगों को इन दोनों वेरिएंट्स में डिफरेंशिएशन पता चल गया हो, क्या क्या फ़र्क है, 1.5 लाख के प्राइस पॉइंट में आपको कितने कितने फीचर्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो। एंड जो जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही कार्स एंड बाइक्स रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।